बनारस के 80 घाट पर जलपरी में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। पारंपरिक ढंग से पीएम मोदी के स्वागत करने की तैयारी की गई है, जिसमें शंख, डमरू और कथक नृत्य के साथ ही गंगा आरती के माध्यम से इस बार पीएम मोदी का स्वागत काशी की जनता करेगी। लिहाजा काशी में पीएम मोदी के आगमन को लेकर अभी से ही लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि देव दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजघाट पर पहला दीप जलाकर देव दीपावली महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गंगा के 84 घाटों के साथ ही गंगा पारदेती पर भी महज कुछ मिनटों के अंदर 15 लाख से अधिक दीप जलाएंगे। राजघाट पर देव दीपावली के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी गंगा में नौका विहार कर देव दीपावली का दीदार करेंगे। गंगा की लहरों में करीब 3 किलोमीटर तक पीएम नाव से घाटों के अद्भुत दृश्य को निहारेंगे। राजघाट से शुरू होने वाले नौका यात्रा ललिता घाट तक चलेगी। ललिता घाट से पीएम मोदी वाराणसी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी सिर्फ मां गंगा की गोद में बैठकर लेजर शो ही नहीं देखेंगे, बल्कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेने के साथ ही वाराणसी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। हालांकि देव दीपावली को लेकर ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में सभी देवता स्वर्ग से उतरकर काशी में दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्य नारायण भगवान की कथा पढ़ने, सुनने और सुनाने का भी बहुत महत्व होता है।